हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स वेयर वी हेल्प यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट ऑफ फ्रॉडुलेंट लोन एप्स, ऐसी एप्स जो कि लोगों को धोखा देती हैं, ठीक है, कि कम रेट्स पर आप लोन ले लीजिए और उसके बाद फिर जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है लोन का, फिर वो डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट डिमांड करते हैं, समटाइम्स 3 times ज़्यादा भी जो है वो डिमांड करते हैं कस्टमर से। तो ये रेगुलेटेड नहीं है स्पेस अभी ऑनलाइन जो ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं ऐसे फ्रॉड्स में। तो इसको लेकर ये हम एडिटोरियल पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, तो वहाँ पर भी सिमिलर थीम्स पर जो है आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आ सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है, जो आपके एसेज हैं वो आ सकते हैं लिखने के लिए। तो ये यहाँ से जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो हम यूज़ करेंगे वहाँ, ओके। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या इस अगर इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो वहाँ आपको आइडियाज़ मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सिडबी GDPI 2023-2024 कोर्स की। तो अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है तो आप 28 तक अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ इसमें ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए हमने मॉक जो ये कोर्स है वो लॉन्च किया है, एक्सेलेंस कोर्स। इट इंक्लूड्स 1-on-1 मॉक इंटरव्यू विद एक्स CGM ऑफ RBI एंड यू विल गेट डिटेल्ड फीडबैक। तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने मॉक के लिए। 25 जो है वीडियो सेशंस हैं जो स्पेसिफिकली सिडबी के लिए बनाए हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। आपके लिए जो ग्रुप डिस्कशन है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव PDFs हैं, ताकि आप जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, करंट थीम्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या क्या पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन से आपको कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। एंड आप ओवरऑल जो आपके प्रिपरेशन है उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस भी हैं। तो ये सब इंक्लूडेड है इस कोर्स में। इट इज़ प्राइस एट 2999 बट यू कैन गेट इट एट 2399, ओके। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ SIDBI20 कोड, ओके। एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड PM प्रैक्टिस प्रो। इट इंक्लूड्स PM बैंकिंग प्रो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स PM बैंकिंग PDF कोर्स। तो PM बैंकिंग प्रो में कौन कौन से मॉक टेस्ट हैं, बैंकिंग के जितने भी मेजर बैंक एग्ज़ाम्स हैं, जितने मेजर इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। PDF कोर्स में मोर देन 20,000 क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, तो मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट, 20,000 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, डिफरेंट जो है टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ओके। एंड यू विल ऑल्सो गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, डिटेल्ड आंसर्स हैं, आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। सो इट दिस कोर्स इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 1249 बट यू कैन गेट इट एट 999 बाय यूजिंग द कूपन कोड PM20 20% डिस्काउंट के लिए, ओके। तो अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, तो इट विल हेल्प यू। सो लेट्स बिगिन। RBI लोन स्कैमर्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, अ लुक एट इंडियाज़ फिनटेक सीन। तो यहाँ पर किन चीज़ों की बात हो रही है, RBI की बात करेंगे, RBI का क्या रोल है यहाँ पर, जहाँ पर लोन स्कैमर्स जो हैं वो जो है काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी केसेस आए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होगी, क्या होगा फाइनेंशियल लिटरेसी, कि लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, ओके। एंड इसी को लेकर ये जो है एडिटोरियल, फिनटेक क्या है, जैसे एडटेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो जो इनेबल करते हैं आपके जो डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो फिनटेक। तो ये एडिटोरियल आपको रीड करना है क्विकली, सेशन को पॉज करके, एंड पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
ठीक है, सो आई होप आपने ये द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल रीड कर लिया है. ओके, सो हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है इंड्यूसमेंट से, पैसेज में यूज हुआ है. सो इंसाइटमेंट, वेरासिटी, डिटरेंस, एंटाइसमेंट एंड इंटर्नमेंट. ओके, तो ये पांच वर्ड्स हमें गिवन है, क्लोजेस्ट वर्ड हमें फाइंड करना है. तो आप अपना आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए, चूज कर लीजिए, एंड वी विल डिस्कस दिस आफ्टर वी डिस्कस द एडिटोरियल. ओके, चलो. So in recent years, there has been a dramatic expansion in all facets of the digital economy in India. ठीक है, तो क्या हुआ है? इस तरह के sentences आप use कर सकते हैं जब आप कोई जो है essay लिख रहे हैं वहाँ पर, कि आप कई बार होते हैं question कैसे begin करें, क्योंकि आपको एक तो टू द पॉइंट बिगिन करना है. ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है. लेकिन आप इस तरह भी बिगिन कर सकते हैं कि रीसेंट ईयर्स में क्या हुआ, ड्रामेटिक एक्सपेंशन हुआ है किस चीज़ का, इन ऑल फेसेट्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया. कि जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है उसके हर एक एस्पेक्ट में, फेसेट क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स. ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स, फेसेट्स, एस्पेक्ट्स. तो ऐसा है कि अगर हम बात करें पेमेंट्स की, हम बात करें लोन्स की, हर जगह जितने भी हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वहाँ पे हर जगह एक्सपेंशन हुआ है, चाहे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन है, हर चीज़ में. ठीक है, सो दिस हैज़ क्रिएटेड कंडीशंस फॉर अ सर्ज. व्हाट इज़ अ सर्ज? एन इंक्रीज, अ सर्ज इन डिजिटल लेंडिंग. तो इसी के साथ ही क्योंकि हर एस्पेक्ट में जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी है उसके हर एक एस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर वहीं इंक्रीज डिजिटल लेंडिंग में भी हुआ है. लेंडिंग क्या होता है कि लोन्स देना. ठीक है, अच्छा, लेंड का ऑपोजिट क्या होगा? बोरो. ठीक है, बोरो. ठीक है, या फिर लीज. ठीक है, लीज. तो ये लीज या बोरो, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे. लेंड मीन्स टू गिव मनी टू समवन और एंड दैट पर्सन प्रोमिसज टू गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम. ठीक है, सो बैंक्स लेंड मनी टू अस एंड वी बोरो मनी फ्रॉम देम. ओके, सो इन डिजिटल लेंडिंग ड्रिवन इन पार्ट बाय न्यू एज फिनटेक कंपनीज. तो इन पार्ट मतलब उसमें कुछ जो हिस्सा है उसकी ग्रोथ में, ड्रिवन मतलब इसकी जो ग्रोथ हुई है उसमें एक रोल प्ले किया है न्यू एज फिनटेक कंपनीज. तो जो नए नए फिनटेक कंपनीज आ रही हैं उन्होंने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया डिजिटल लेंडिंग में. अलॉन्ग साइड देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ अनस्क्रूपलस प्लेयर्स. सो अलॉन्ग साइड मतलब इसके साथ साथ क्या हुआ, एक तो फिनटेक कंपनीज हैं उनके साथ साथ कुछ, देयर हैज बीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ अनस्क्रूपलस प्लेयर्स. अनस्क्रूपलस जो कि इमोरल या कहें कि गलत जो एक्ट करते हैं, जिनकी इंटेंशन गलत है, क्रिमिनल इंटेंट है. ठीक है, तो अनस्क्रूपलस, तो ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो चीट करने के लिए हैं. ठीक है, चीट करना चाहते हैं लोगों को. एंड प्रोलिफरेशन होता है कि कोई नेगेटिव चीज़ जब बहुत तेज़ी से फैलती है उसके लिए हम प्रोलिफरेशन यूज़ करते हैं. तो प्रोलिफरेशन ऑफ अनस्क्रूपलस प्लेयर्स, यानी ऐसी ऐप्स जो हैं वो आई हैं जो कि लोगों को चीट कर रही हैं, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं. हु टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द फाइनेंशियली लेस सैवी. व्हाट डस टेंड टू मीन? कि उनकी ऐसी कहीं कि उनका नेचर ऐसा है, क्या वो यूजुअली ऐसा करते हैं कि वो फ़ायदा उठाते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियली लेस सैवी. सैवी, टेक सैवी का मतलब क्या होता है? जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पता है, उसे बहुत अच्छा लगता है जानना, बहुत ज़्यादा जानकारी भी. तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जो टेक सैवी होंगे, लेटेस्ट गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे. लेकिन आपकी फैमिलीज़ में ही जो है, जो ओल्डर जनरेशन होंगी, हो सकता है वो इतने टेक सैवी ना हो. ठीक है, उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में ना पता हो. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि फाइनेंस के जो सैवी पीपल हैं, दैट मीन्स वो लोग जिन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है. ठीक है, लेकिन ये लोग किन का फ़ायदा उठाते हैं? जो सैवी नहीं है, फाइनेंशियल सैवी. तो सैवी वर्ड का मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, नॉलेजेबल होता है. ठीक है, और ये खासकर टारगेट करते हैं लो और मिडिल इनकम क्लासेस को. ठीक है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड शॉपकीपर्स इन स्मॉल टाउन्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, एंड अब यहाँ पर अक्रॉस जो प्रपोजिशन यूज है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में. अक्रॉस जब हम बोलते हैं तो इन द कंट्री मतलब कहीं भी हो सकता है, एक जगह. ठीक है, लेकिन अक्रॉस द कंट्री मतलब कवरिंग अ वेरी वाइड एरिया, कोने कोने में. ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे. तो एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस पेपर हैज़ आउटलाइंड
आउटलाइन होता है किसी चीज़ की समरी देना। तो यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी तो वहाँ पर क्या आउटलाइन किया, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दीज डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। ये आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जो है लैटिन फ्रेजेस बैंक एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट फिर भी हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर्स में काफ़ी यूज़ होता है ये लैटिन फ्रेज। इसका मतलब होता है कि काम करने का तरीका, कि कोई कैसे काम करता है। अगर आप कोई कई बार कोई न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये क्रिमिनल था, इसने ऐसे जो है हाइस्ट किया यानी बैंक को लूटा, तो वहाँ पर उसको क्या क्या उसने स्टेप्स लिए, तो वो हो जाता है मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि कोई काम करने का, कोई चीज़ करने का तरीका। तो यहाँ पर ये जो ऐप्स हैं इनका जो किस तरह ये ऑपरेट करती हैं ये इन्वेस्टिगेट किया था न्यूज़पेपर ने। हाउ दे आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द अनसस्पेक्टिंग एंड द गलेबल, तो कैसे इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, अनसस्पेक्टिंग एंड गलेबल। सस्पेक्ट करना शक होना, सस्पेक्टिंग मतलब आपको पता ही नहीं चला और किसी ने जो है आपको चीट कर दिया, ठीक है। और गलेबल जो है वो ऐसा पर्सन होगा जिस वो भी यही होगा कि किसी ने इस पर्सन को चीट किया, लेकिन एक बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में। अनसस्पेक्टिंग वो होगा जिस जो यानी कि एक न्यूट्रल वर्ड हम कहते हैं, ठीक है। गलेबल थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है। अनसस्पेक्टिंग मतलब कि आप अपना काम कर रहे थे, आप नॉर्मल जो प्रिकॉशंस ले रहे थे वो ले रहे थे, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था आपका शक करने का, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है। एंड गलेबल अगर आपको कहा जाएगा दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ऐसे साइंस थे जहाँ पर आपको शक होना चाहिए था, आपको सतर्क अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हुए, ठीक है, तो आपने वो इग्नोर करे, तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। बट यहाँ पर दोनों के सिमिलर मीनिंग है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं थे, या फिर जो लोग आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, गलेबल, ठीक है, तो उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वर्ड्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, दोनों वर्ड्स, ठीक है, बहुत बार आते रहते हैं। अनस्क्रूपुलस बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोलिफरेशन आई एम श्योर आपको पता होगा, ओके। फेसेट, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज फ्रॉडुलेंट लोन एप्स फ्लड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद एड्स प्रॉमिसिंग लोन्स डिस्पाइट एन इंडिविजुअल हैविंग अ लो क्रेडिट स्कोर। तो ये क्या करते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं जिन लोगों का लो क्रेडिट स्कोर है, ताकि वो, क्योंकि जिनका हाई क्रेडिट स्कोर है वो तो बैंक से लोन लेंगे, लेकिन जिनका लो क्रेडिट स्कोर है बैंक्स उनको लोन नहीं देते, तो ये उनको टारगेट करते हैं, ठीक है, जिनका लो क्रेडिट स्कोर है, और ये सोशल मीडिया पे अपने एड्स जो हैं वो चलाते हैं, ठीक है। वाइल द एडवर्टाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स आर लो, जो ये एड में शो करते हैं वहाँ पर तो कम इंटरेस्ट रेट होता है, एंड टेंड टू एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होता है कि कोई चीज़ आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, ठीक है, तो एक तरीके से एक लालच देने का, कि जो कोई भी ऐड देखता है पर्सन, वो देखता है अच्छा इसमें तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट है तो मुझे लोन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इंड्यूस करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐड में लो इंटरेस्ट रेट्स पब्लिश करते हैं। द एजेंट्स आस्क फॉर मच मोर मनी इन रीपेमेंट, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो जो उन ऐप के एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं रीपेमेंट में। इन वन सच केस द अमाउंट आस्क टू बी रीपेड वॉज मोर देन थ्राइस द बोरोड अमाउंट, और एक केस में तो जितना बोरो किया था उससे 3 times ज़्यादा उन्होंने वापस मांगा, ठीक है, तो यानी कि 2 times तो इंटरेस्ट लिया उन्होंने। सो मैनी हैव बीन कॉट इन देयर क्रॉस हेयर्स, ठीक है, कॉट इन क्रॉस हेयर्स, तो क्रॉस हेयर्स होता है जब गन से किसी को टारगेट किया जाता है, ठीक है, निशाना लगाया जाता है गन से, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रॉस हेयर होता है, ठीक है। आप अगर क्या होते हैं जब निशाना लगाते हैं तो इनको कहते हैं क्रॉस हेयर, क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जब उससे फिर निशाना लगाया जाता है, तो समवन इज कॉट इन क्रॉस हेयर मतलब किसी के निशाने पर है, टारगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैनी हैव बीन कॉट इन द क्रॉस हेयर्स, यानी काफ़ी कई लोग जो है उन्हें टारगेट किया है ऐसी ऐप्स ने, एंड दिस इशू हैज़ फाइनली कॉट द अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, और इस वजह से क्योंकि ये बार बार हो रहा था, काफ़ी लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए, तो पॉलिसी मेकर्स की अटेंशन गई, गवर्नमेंट की अटेंशन गई। एंड इन ऑगस्ट 2022 एन RBI वर्किंग ग्रुप हैड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अभी हम यहाँ पर आते हैं कि ये तो क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता चला, ठीक है, तो अगर कभी आता है कि ऑनलाइन जो है फ्रॉड्स होते हैं, तो आप वहाँ पर एक दो लाइन में यहाँ से जो हमने पढ़ा वो आप यूज़ कर सकते हो कि ऐसी ऐप्स होती हैं और वो टारगेट करती हैं इस पर्टिकुलर जो क्लास ऑफ पीपल है उन्हें, जैसे मिडिल जो इनकम ग्रुप है उन्हें टारगेट करते हैं,
और फिर वो चीट करते हैं उन्हें। लेकिन अब यहाँ पर क्या कोई एक्शन लिया है? क्योंकि जब आप अपना एसे लिख रहे हो तो वहाँ पर अगर आप फैक्ट्स मेंशन करते हो, फिगर्स मेंशन करते हो, तो हमेशा उसका वेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, वो मेंशन करते हो तो दैट विल गिव फेच यू मोर मार्क्स। तो यहाँ पर है कि, और ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिटेल में लिखना है कि कितने एग्जैक्ट, कितना क्या एक्शन था, कौन सी डेट में एक्शन लिया था, इतना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपको पता है कि आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने 2022 में ऐसा कुछ किया, तो आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या सजेशन दिया कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए, एक अलग बॉडी बननी चाहिए जो उन्हें मॉनिटर करे, ठीक है। सो इन सितंबर 2022 द फाइनेंस मिनिस्टर चेयर्ड अ मीटिंग ऑन इलीगल लेंडिंग ऐप्स इन विच इट वाज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल बैंक वुड प्रिपेयर अ वाइट लिस्ट ऑफ लीगल लेंडिंग ऐप्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड इंश्योर दैट ऑल दीज ऐप्स आर होस्टेड ऑन द ऐप स्टोर्स, ठीक है, ओनली दीज ऐप्स। तो ये डिसाइड हुआ कि जो ये डिसाइड हुआ था कि वाइट लिस्ट जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो वाइट लिस्ट बनाएंगे कि ये हैं डिजिटल लेंडिंग ऐप्स जो आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो मिनिस्ट्री इंश्योर करेगी कि सिर्फ यही ऐप्स अवेलेबल हों, बाकी कोई भी डिजिटल लेंडिंग ऐप अवेलेबल ना हो प्ले स्टोर्स पे, ऐप स्टोर्स पे, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया था। In the last such meeting held on October 13, the Ministry of Information and IT, Information Technology had suggested KYC norms for lending apps. तो ये एक टाइप के रूल्स हैं, जैसे KYC रूल्स हमारे होते हैं, हम KYC फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, जैसे कि किसी बैंक को, ठीक है, कि कस्टमर अपनी सारी डिटेल्स देता है ताकि बैंक आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन है कस्टमर। ऐसे ही डिजिटल लेंडिंग ऐप्स भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें आरबीआई के पास या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास, ठीक है। सो कंसिडरिंग दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज टू एडवर्टाइज एंड डिसमिनेट दीज ऐप्स, टेक प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। तो यहाँ पर एक तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो ये स्टेप लिया गया कि एक वाइट लिस्ट फॉर्म की है कि जिसमें सिर्फ वही ऐप्स अलाउड होंगी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंश्योर करेगा कि वही ऐप्स जो हैं वो पब्लिश हों ऐप स्टोर्स पे जो वाइट लिस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर कि सोशल मीडिया का क्या कोई रोल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं इन्हें एडवर्टाइज सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है, तो वहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज़ का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर डिसमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना। यूजुअली जैसे नॉलेज के लिए हम यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं डिसमिनेट वर्ड, ठीक है, यहाँ पर ऐप्स के लिए भी यूज़ किया, यानी कि इसके थ्रू उन्हें एडवर्टाइज़ किया जाता है, फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। एंड तो इसलिए टेक प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका भी रोल है। As reported in this paper, both Google and Apple have blocked several such apps. और दोनों बड़ी companies, Apple ने और Google दोनों ने ऐसी बहुत सारी apps को block भी किया, तो action उन्होंने भी लिया। For instance, Apple has taken down those like Cute Food, Sweet Food Record and Kevin Basketball Train Plan, which offered instant loans from a platform called Trust Loans. तो ये नाम different रखते हैं जानबूझ के, डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए, ताकि लगे देखकर कि ये लोन ऐप नहीं है, बट वो लोन्स ऑफर करते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये जो ताकि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर उन्हें बैन ना करें, तो इसीलिए ये ऐसे नाम रखते हैं। हाउएवर फ्रॉडस्टर्स ऑफन कम अप विद इंजीनियस वेज, इंजीनियस आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव वे में यूज़ किया गया है। इंजीनियस मतलब कि बहुत चालाक, ठीक है, चालाक जो तरीके हैं वो, उनसे वो वापस फिर ऑनलाइन आ जाते हैं, भले ही ब्लॉक हो जाए, फिर किसी ना किसी तरीके से वो ऑनलाइन आ जाते हैं। एट टाइम्स दे हैव प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज लोन एग्रीगेटर्स और कैलकुलेटर्स, कभी कभी ये अपने आप को शो करते हैं कि लोन एग्रीगेटर्स हैं, यानी कि जैसे जो लोन एग्रीगेटर्स जो हैं प्रॉपर एंटिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी उनकी तरह ये अपने आप को शो करते हैं, कभी कभी ये सिर्फ शो करते हैं कि कैलकुलेटर हैं, ऐप जो है वो सिर्फ कैलकुलेटर है, पर एक्चुअली वो लोन प्रोवाइड कर रही होती है। टू डिसीव, डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी को गलत जो है गलत इंप्रेशन देना, धोखा देने की कोशिश करना, तो टू डिसीव द रिव्यू प्रोसेस, ताकि इन ऐप्स को बैन ना किया जाए, ठीक है। द प्रॉमिस ऑफ ईजियर एंड फास्टर एक्सेस टू लो कॉस्ट लोन्स इज एन अपीलिंग वन, तो हर किसी को लगता है कि अगर क्विकली लोन मिलेगा कम कॉस्ट पे, तो ये तो सबको अट्रैक्टिव लगता है, बट मोर सो फॉर दोज विद लो क्रेडिट स्कोर्स, और खास तौर पे, मोर सो मतलब खास तौर पे किसके लिए, जिनका क्रेडिट स्कोर कम है एंड द फाइनेंशियली लेस इंक्लूडेड,
ठीक है, जो जिनके पास बैंक अकाउंट्स या ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिनको क्रेडिट नहीं मिलता बैंक से, कपल्ड विद यानी साथ में, टुगेदर विद, कपल्ड विद टू लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लो लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस क्रिएट्स कंडीशंस फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो अगर आपसे रीज़न अगर आपको कहीं मेंशन करना हो, ठीक है, आप ये कर सकते हो कि क्यों ये लोन ऐप्स जो है वो इतना चलते हैं, कि एक तो फास्टर लोन्स प्रोवाइड करते हैं किनको, जो जिनके पास या तो लोन अवेलेबल नहीं है उनको, ठीक है, दूसरा फिर एक फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी ये इस टाइप के जब ये फ्रॉड्स होते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती लोगों को, तो वो है, और इसी की वजह से ये कंडीशंस बनती हैं जहाँ पर ये फ्रॉड्स होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर इसको ध्यान से हम इस जो गवर्नमेंट इसे मॉनिटर नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक मस्ट स्टेप अप टू द चैलेंज। स्टेप अप होता है कि आप खुद कोई टास्क जो है वो ले लेते हो, ठीक है, खुद आप जिम्मेदारी ले लेते हो। एंड स्टेप अप टू द चैलेंज मतलब कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लेकिन आप और एफर्ट करते हो उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। तो स्टेप अप टू द चैलेंज मतलब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लेकिन इन्हें जो गवर्नमेंट है एंड RBI उन्हें एक्शन लेना चाहिए ऑफ इंश्योरिंग अवेयरनेस थ्रू ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या सॉल्यूशन दे होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, वो प्रमोट करना है, लेकिन क्या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी से ही हो जाएगा सॉल्व? नहीं, ठीक है। वाइल डीलिंग विद फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज फर्मली स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर एक तो है कि ऐसी ऐप्स को कैसे रोका जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, और एक तो कि ऐसी ऐप्स आ ही ना पाए प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अवेलेबल ना हो, सोशल मीडिया पे प्रमोट ना हो, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, ये दो चीज़ें, और तीसरा कि अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, तो तभी जो है इस चैलेंज को फेस किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। इंड्यूसमेंट हमने देखा कि कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है कुछ करने के लिए, ठीक है, आपको अट्रैक्टिव लगती है फिर आप कुछ करते हो, मोटिवेट करती है। तो यहाँ पर है इंसाइटमेंट, वेरासिटी, डिटरेंस, एंटाइसमेंट एंड इंटर्नमेंट। तो यहाँ पर जो एंटाइसमेंट है, एंटाइसमेंट यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ जो आपको ल्योर करती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट और एंटाइसमेंट सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। वेरासिटी होती है किसी चीज़ की ट्रुथफुलनेस, कोई चीज़ कितनी सच है, ठीक है, तो आप कहोगे कि इसकी वेरासिटी डाउटफुल है, मतलब हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं। इंसाइटमेंट क्या होता है, इंसाइट करना, भड़काना, तो इंसाइटमेंट भड़काने के एक्शन को कहते हैं। डिटरेंस होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो डिफेंस के टर्म्स में डिटरेंस यूज़ किया जाता है कि किसी को कुछ करने से डिस्करेज करना, ठीक है, कि आप अपने एनिमी को डिस्करेज कर रहे हो कि वो कोई एक्शन ना ले, ठीक है, तो वो होता है डिटरेंस, तो वो भी नहीं है सिमिलर मीनिंग। एंड इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट क्या होता है, आप कहोगे कि हमने इंटर्न सुना है, ठीक है, जो अपने जस्ट जो वर्क जो है फुल टाइम जॉब शुरू करने से पहले इंटर्न, एज एन इंटर्न लोग वर्क करते हैं, बट इंटर्नमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, इंटर्न का एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है, उसका मतलब होता है इंटर्न का एक मीनिंग भी ये भी होता है इम्प्रिजन, मतलब जेल में बंद कर देना, ठीक है, तो वो भी नहीं, ओके, तो यहाँ पर इंटर्नमेंट का मतलब है जेल में बंद कर देना, तो इम्प्रिजन कर देना, तो वो भी नहीं है, डी इसका आंसर होगा, ओके। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं यहाँ पर मेंशनड है, ओके, यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे कि अनसस्पेक्टिंग, गलेबल, ऑल्दो इनमें डिफरेंस है बट यहाँ पर एक साथ ही लिखते हैं क्योंकि इस पैसेज में वो सिमिलर मीनिंग ही आ रहा है, ठीक है, तो आप ट्रस्टिंग हो सकता है, अनवेरी हो सकता है, क्रेडुलस, क्रेडुलस हमने पहले भी किया था, ठीक है, तो क्रेडुलस मतलब जो किसी पे आसानी से भरोसा कर ले, अनवेरी मतलब जो सतर्क नहीं है, जो अलर्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इंड्यूसमेंट के सिमिलर वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, इंसेंटिव, ठीक है, कि कोई काम अगर आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा कि अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव, तो आपको काम करने का मन करेगा। बेट होता है लालच, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, बेट होता है लालच, ठीक है, बट इंड्यूसमेंट आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इंसेंटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो इंड्यूसमेंट, और बेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो किसी को फंसाने के लिए, जो आप किसी को लालच देते हो, तो दोनों जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। टेम्पटेशन भी, कि आपको किसी चीज़ का लालच होता है तो वो है टेम्पटेशन।
एंड डिसमिनेट ये आपको पता है, एंड डिसीव किसी को धोखा देना, तो आप मिसलीड कर सकते हो, किसी को ट्रिक कर सकते हो, चीट कर सकते हो, बीगाइल कर सकते हो, ड्यूप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी जो है चीटिंग से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स हैं, एंड बाकी हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।